नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं हिमांशु राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मानसून और रेनफॉल से रिलेटेड है। तो जितना भी मानसून और रेनफॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मानसून शब्द कहाँ से आया है? तो मानसून शब्द ये अरेबिक शब्द है। अरबिया में एक मौसम शब्द यूज किया जाता था और उसी से बना है मानसून। देखो पहले जो ट्रेड हुआ करते थे वो इसी मौसम की वजह से या मौसम की वजह से हुआ करते थे। अब कैसे होता था? तो अगर हम इंडिया का एक मैप बनाए और यहाँ पर ध्यान से देखें तो इधर अरेबिया है, तो यहां से जब हवा भारत की तरफ चलती थी, भारत की तरफ, तो उस समय अरब के लोग भारत आ जाते थे। यानी जब मानसून स्टार्ट होता था उस समय हवा कहां चलती है? अरब सागर से भारत की तरफ चलती है, तो अरब के लोग भारत पहुंच जाया करते थे। फिर बाद में जब यही मानसून वापस लौटता था, रिट्रीटिंग मानसून वापस लौट रहा होता था, तो वहीं से ये लोग बैठते थे और कहां पहुंच जाते थे? अरब पहुंच जाते थे। तो इसी को लेकर उन्होंने इसका नाम क्या रखा? मौसम। और उसी से इसका नाम क्या पड़ा? मानसून नाम पड़ गया है। ठीक है, पहला सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आपने डिटेल में इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इंडिया इज मानसूनल कंट्री, तो निश्चित रूप से भारत में कैसा जलवायु है? यहाँ पे मानसून जलवायु है भारत के अंदर। तो जलवायु अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जब जलवायु का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उस समय वहां पे थ्योरी के रूप में उसे देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा जलवायु पाया जाता है। आइए इसका, ये तो सही है। दूसरा रीजन देखें, द हाई हिमालयाज इम्पार्ट इट क्लाइमेट डिस्टिंक्टिवनेस। बिल्कुल, जो हिमालय है, हिमालय मेन रीजन है हमारे यहाँ मानसून के लिए। कारण क्या है कि आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं ये कहूं कि ये हिमालय है तो जस्ट इसके पीछे वाले एरिया में पीछे आपको मिलेगा तिब्बत का पठार। और हिमालय के ऊंचे उठने की वजह से ही जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी आज भी चल रही है, और उसी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो तिब्बत है वो भी ऊपर उठ गया, और तिब्बत के हीटिंग की वजह से ही वहां पे लो प्रेशर बनता है और समंदर से फिर जो वायु है वो तिब्बत की तरफ फ्लो होती है, और तिब्बत को फ्लो करते हुए इंडिया को वो क्रॉस करेंगे। तो इंडिया को जब क्रॉस करेंगे तो उसमें वो मानसून रेन होगा। तो इसका ये आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी कथन और कारण ये दोनों सही है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। द मैप रीड विथ इंडेक्स प्रोवाइड रिफर टू द डिस्टिंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे मैप को हमें ध्यान से देखना है और पता करना है क्या। तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे 27 से 25 बिलो 22 ये दे रखा है। इसका मतलब है निश्चित रूप से ये जो रेंज होता है ना, ये टेम्परेचर का ही रेंज होता है। तो यहाँ पे किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल होता तो वहां पे कुछ इस तरीके से बना होता, जहां पे आपको डिग्री सेल्सियस की बात पता चलती, ठीक है ना। तो रेनफॉल सेंटीमीटर में नापा जाता है, तो सेंटीमीटर में 60, 100, 150 इस तरीके के ऑप्शन होते। प्रेशर, प्रेशर का अलग रहता क्योंकि कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे आसपास इस तरीके से दिया गया होता, या फिर बार में दिया गया होता। एनुअल रेनी डे, रेनी डे का इस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या है ये मीन टेम्परेचर है, ठीक है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? ये मीन टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके आईएएस 1994 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये भी असर्शन रीजन यानी कथन और कारण दे रखा है यहाँ पे। इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। बिल्कुल सही है। इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो देखो बेटा, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कैसे होता है ये आपको पहले समझा दूं। ये रहा इक्वेटर आपका, क्या है ये है इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या इसको कर्क रेखा कहा जाता है हिंदी में। और नीचे भी 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री इसको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसी को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो भारत यहाँ पे इधर कहीं उपस्थित है इस एरिया में, जो 8.4 से लेकर ये 37.6 डिग्री यानी कि
35 डिग्री और 6 मिनट इस तरीके से इंडिया की उपस्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भारत यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में तो है, लेकिन साथ में ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी है। जैसे आप ध्यान दें तो यूपी का एरिया, आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इंडिया इज द लोकेटेड एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना बेटा, तो एग्जैक्टली लिखे होने की वजह से क्या है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन जो बी आर है रीजन है, कथन तो सही है लेकिन इसका कारण क्या है वो गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मानसून अराइव फर्स्ट, तो कहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है। तो मानसून आप जानते हो 1 जून को, सामान्यतः 1 जून को यह केरला कोस्ट को हिट करता है। अगर इंडिया का आप मैप भी देखें, इंडिया का मैप देखें बेटा, तो यहाँ देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, केरला है। और जब मानसून इधर से आएगा तो सबसे पहले किसको हिट करेगा, ये केरला कोस्ट को हिट करेगा। और जब ये केरला कोस्ट को हिट करता है तो इसको कहा जाता है ब्लॉसम सावर। क्या बोलते हैं, ब्लॉसम। और यही मानसून जब यहाँ कर्नाटका में पहुंच जाता है, कर्नाटक में, तब इसको मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको क्यों कहते हैं इस तरीके का, यहाँ पे ब्लॉसम जब पहला रेन होगा और यहाँ पे मैंगो सावर कहा जाएगा। इसका कारण है कि इसके आने के बाद जो आम है ना वो पकना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया, तो भारत में जो समर मानसून है उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ अरेबियन सा में यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, और उसी जगह पर एक हाई प्रेशर जगह बनता है जिसको मस्करीन हाई के नाम से जाना जाता है। यहीं से हवा भारत की तरफ बहती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो हवाओं का नाम लिखा जाता है उनके ओरिजिन प्लेस के आधार पर रखा जाता है, जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट हो रही होती है। तो कौन से डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है, तो इधर है वेस्ट और इधर क्या है साउथ, तो साउथ वेस्ट मानसून कहा जाएगा। तो अब आपको ये ढूंढना है कि साउथ वेस्ट मानसून इधर से, और ये कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पे, ये आपका है नॉर्थ और ये कौन सा है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, साउथ वेस्ट ये रखा और नॉर्थ ईस्ट ये रहा, तो साउथ वेस्ट से किधर बहती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। मानसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया, मानसून इनमें से किस विंड की वजह से उत्पन्न होती है। तो ऑलरेडी बता दिया कि साउथ वेस्ट से ही निकलती है, क्योंकि इंडिया देखो यहाँ पे फिर से देख लो यहाँ से इस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट ढूंढ लीजिए, पहला ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कई जगह पे आप देखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट विंड, ये बेटा ये रिट्रीटिंग मानसून का है, कौन सा है, ये रिट्रीटिंग मानसून है। कौन सा मानसून है बेटा, ये रिट्रीटिंग मानसून। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉ एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द इनफ्लो ऑफ। देखो जब अगर फिर से ये चलो इंडिया का फिर से मैप बनाएंगे हम, और यहां पर अगर देखें तो यही जगह की तो बात कर रहा है, यही जगह कौन सा जगह है, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट रीजन है। और यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से हवाएं क्या होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर क्षेत्र बनेगा, और हवा हमेशा, और यहाँ ओशियन में हाई प्रेशर होगा, समंदर में हाई प्रेशर और हवा हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा, और इस विंड का डायरेक्शन जो है यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां से उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से इसका क्या होगा, साउथ वेस्ट इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कौन सा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी वजह से भारत में क्या होती है, बारिश होती है, यही हवाएं चलती है गर्मियों के समय में। आओ आगे बढ़ जाते हैं। आइए कंसिडर द क्लाइमेटिक डायग्राम गिवन बिलो, तो इस डायग्राम को देखिए, तो डायग्राम को देखकर आपको यह समझना होगा कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो लगभग 31 तक जा रहा है। ठीक है, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला जो महीना है मानसून वाला महीना, यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमिड कंडीशन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे बारिश होगी। बाकी जो अप्रैल है ये बहुत ही ड्राई है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है
और ये टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति किस क्षेत्र में आती है यही आपको देखना है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो क्या नॉर्थ वेस्ट रीजन में बात करें तो टेम्परेचर जो है 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप जानते हो भाई आपका पंजाब राजस्थान का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो ये 31 तक तो नहीं रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन में इतना कम जो टेम्परेचर की बात हो रही है, इतना कम टेम्परेचर नहीं होता है कि आपका 15 के आसपास चला है। ठीक है, जनवरी के महीने में भी 15 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, तो देखो सेंट्रल रीजन जो है वहां पर भी इस तरह की कंडीशन नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है जहां पे कौन कौन से राज्य पाए जाएंगे, असम पाया जाएगा, मणिपुर पाया जाएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस तरीके का जो है टेम्परेचर वेरिएशन और आपके ह्यूमिडिटी का यानी आर्द्रता का जो वेरिएशन होता है वो इस तरीके को देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़े हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे इसमें ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है। तो यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, तो बेंगलुरु, यहाँ पे भाई बारिश होती है, दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। लेह का जो एरिया है ये ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे बारिश की संभावना है बहुत ही कम रहती है, बहुत कम बारिश होती है। आगे देखते हैं द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज बेसिस फॉर द डिवाइडिंग इंडिया इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इज। तो आइसोथर्म का क्या मतलब होता है कि जहां पे टेम्परेचर एक जैसा हो, जिस लाइन पे टेम्परेचर एक जैसा हो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। थर्म का मतलब भी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, थर्म का मतलब भी क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बहुत सारे थर्मल बेल्ट, तो क्या टेम्परेचर से रिलेटेड वो थर्मल बेल्ट हो जाएंगे। हाइट की बात करेंगे जब, जैसे आइसो हाइट कहते हैं तो वहां पे रेनफॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस कौन सा टेम्परेचर जो है वो डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बांटता है। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र कौन से होते हैं, तो ट्रॉपिकल क्षेत्र ये जो कर्क रेखा है यानी कैंसर, कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इसके बीच के एरिया को ट्रॉपिकल कहते हैं, और इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है 66.5 तक इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन बोला जाता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ वाला जो क्षेत्र है लगभग 35-40 ये सब ट्रॉपिकल में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल और उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र बोला जाएगा। आगे देखते हैं, ये एक मैप दिया हुआ है और इसमें कुछ पूछा जाना है, देखते हैं क्या पूछा जाना है इस मैप से। इन द शेडेड एरिया ऑफ द अबव मैप द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अराइव्स बिटवीन। ये जो शेडेड, तो आप देखिए यहाँ पर सेंट्रल इंडिया और कुछ साउथ इंडिया की बात कर रहा है, यहाँ पे तमिलनाडु का बात नहीं कर रहा, तमिलनाडु को उन्होंने हटा दिया। तो ये आपके लगभग ये 25 से 27.5 डिग्री के आसपास इस एरिया का टेम्परेचर रहता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है मित्रों, साथियों, दोस्तों, ऐसे ही सवाल आपको लगाते रहना है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाइएस्ट। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि दिन के समय मान लो टेम्परेचर 42 डिग्री है और रात के समय में यही घटकर 20 डिग्री के आसपास आ गया, तो टेम्परेचर ये 22 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है दिन और रात में। और ऐसा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो ज्यादातर जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर दिन में टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा और रात के समय तापमान बहुत कम हो जाता है, तो ऐसा है। तो यहाँ पर देखो, हाँ ये डी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिया है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो कोस्टल एरिया का गुण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि ओशियन पाया जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे न तो टेम्परेचर ज्यादा घटता है न तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ में भी वेरिएशन तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना आपके राजस्थान वाले एरिया में होता है, और अंडमान आइलैंड में तो मान के चलिए कि वेरिएशन 9 के बराबर होता है। कारण है कि ये जो एरिया है ये काफी नजदीक है, किसके नजदीक है ज्यादा, ये इक्वेटर के बहुत ज्यादा नजदीक है, किसके, इक्वेटर, इक्वेटर बोले तो क्या हो गया, विषुवत रेखा। और आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल जो बेल्ट होता है, इक्वेटर रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम, सवाल है विच आर द मंथ फॉर मानसून नॉर्मली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मानसून का महीना कौन सा होता है, तो देखो पूरे भारत के अंदर जून, जून से लेकर सितंबर में बारिश होती है और ये आपका महीना होता है गर्मियों के समय में होता है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है
ये है आपका वेस्टर्न घाट, क्या है बेटा, ये है वेस्टर्न घाट का एरिया। और जब मानसून यहाँ से इस एरिया में आती है तो ये वेस्टर्न घाट उसको रोक लेता है और तमिलनाडु यहाँ पाया जाता है, और इसकी वजह से नॉर्मल जो मानसून है जो भारत में आता है तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून ऐसे आता है वापस, तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएगा और यहाँ तमिलनाडु में बारिश कराएगा, और ये होता है नवंबर और दिसंबर के समय में, जब हमारे यहाँ से नॉर्थ इंडिया से उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके राजस्थान और जो भी एरिया है दिल्ली, यहाँ से जब मानसून वापस जा रहा होता है, इसको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, उससे बारिश होती है तमिलनाडु में। तो किस महीने में होगी, तो ये नवंबर और दिसंबर के महीने में होगी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको आने चाहिए और लगाना चाहिए आपको। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। देखो, कभी भी सवालों को केवल रटने का प्रयास ना करें, उसके आसपास की जो चीजें हैं उनको जाने, थ्योरीज थोड़ा बहुत जाने, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ कोई भी चीजें हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। अगर कारण पता है तो किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, तो किसकी वजह से कौन सा सीजनल डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ मानसून आता है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है और हवाएं भी टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वहां पे प्रेशर डिफरेंस बनता है। क्योंकि देखो, फिर से इंडिया को बना लो एक तरीके से, यहाँ वाला जो एरिया है, जो आपका नॉर्दर्न एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ ओशियन में इसके कंपेरिजन टू हाई प्रेशर होता है, और इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, और यहाँ पे लो प्रेशर किसकी वजह से बनता है, हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। बात समझ में आई? तो टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, ओशियन का टेम्परेचर 25-26 के आस, 25-26 के आसपास है, उससे भी कम हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 35-40 तक पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस बनेगा और प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आओ अब यहाँ पे कह रहा है कोल्ड विंड ऑफ मिडिल एशिया। भाई देखो, मिडिल एशिया से ऐसा कोई कोल्ड विंड हमारी तरफ नहीं आ पाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सेस सिमिलरिटी ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बराबर होगा तो प्रेशर भी लगभग सेम होगा, और ऐसी स्थिति में हवा चलेगी नहीं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, हवा चलेगी, बहुत कम चलेगी, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उसी हिसाब से चलेगी। यहाँ पे सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, फिर से अगर इंडिया को हम देखें तो मानसून यहां से इंटर करता है और इधर से ही मानसून वापस जाते हुए वापस जाता है। तो भाई जहां से इंट्री हुई और सबसे लास्ट में जहां से वापस गया, वहां पे क्या होता है, ज्यादा समय तक मानसून रहता है और नॉर्थ इंडिया में मानसून कम रहता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इज इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम यहाँ फिर से देख लो, यहाँ जब मानसून इधर आता है तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे ज्यादा बारिश कराती है, और जैसे जैसे ये बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगी, इसके बारिश की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। कारण क्या है कि मॉइस्चर धीरे धीरे एयर में कम होता जाता है और मॉइस्चर की वजह से ही तो बारिश होती है। तो मॉइस्चर कम होगा मानसून का, तो इस वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन में जब वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी पश्चिम की तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में बारिश कम होती चली जाएगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, इसका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट दिखाई पड़ेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? ऐसे ही सवाल तो पूछे जाते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय अरेबियन सी ब्रांच। कौन सा क्षेत्र अरेबियन सी ब्रांच से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो देखो, मानसून को दो भागों में बांटा जाता है। जब इंडिया में मानसून आता है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट की वजह से एक मानसून इधर चला जाता है, इसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरेबियन ब्रांच बोलते हैं। और मानसून इधर आ जाता है और इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अरेबियन सी ब्रांच से कहाँ पे कम रेनफॉल होता है। तो देखो, वेस्टर्न घाट पे तो खूब होता है, डेक्कन के पठार, यहाँ ये एरिया डेक्कन का पठार है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी यहाँ नर्मदा और ताप्ती वैली है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी जाएगा मानसून और वहां भी बारिश होगी।
छत्तीसगढ़ का जो एरिया है यहाँ पे मानसून मेनली किससे प्राप्त होता है, ये पश्चिम जो बंगाल की तरफ से जो आता है यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आएगा मानसून का, उससे ज्यादा बारिश होगी। तो इस वजह से ऑप्शन क्या यहाँ करेक्ट हो जाता है बेटा, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा चीजों को ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और एक बात और, हमेशा आप प्रयास करिए कि क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, जहां पे आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया जाए। और क्वेश्चंस तो खूब लगाने हैं, इसी वजह से मैं हमेशा सवालों पर जोर देता हूं, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन सवाल नहीं लगाया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और केवल सवाल लगाया और कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है तो भी गड़बड़ होते हैं। तो दोनों को साथ में आपको लेकर चलना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में अक्षांश, एक जैसे अक्षांश पर है, बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू, लेकिन इनमें जलवायु में अंतर पाया जाता है, क्लाइमेट में अंतर पाया जाएगा। अब ये क्लाइमेट में अंतर क्यों होता है, देखो भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं बेटा, तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। बस यही, इसी की वजह से क्या आपके एल्टीट्यूड जो है, जो डिफरेंस इन द एल्टीट्यूड है उसकी वजह से, लैटिट्यूड तो सेम है लेकिन इनका एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई अलग अलग है। शिमला ज्यादा हाइट पर है, इस वजह से वहां पे टेम्परेचर कम होता है, और वहीं पे अजमेर में, अमृतसर में ये कम हाइट पर है, इस वजह से यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट, इसमें से किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमिड साउथ ईस्ट मानसून पाया जाता है, इस डायरेक्शन में है, थोड़ा साउथ में भी है और साथ में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और देखो यहाँ पे राइस की खेती इसी वजह से ज्यादा भी होती है, जो हमारे यहाँ जो पैडी आप लगाते हैं ना यानी धान, उसकी खेती छत्तीसगढ़ में ज्यादा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे राज्यों में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल में होती है, ये बता दूंगा आपको, पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसको बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है ना वो ज्यादा होता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड क्लाइमेट, कौन सा इसमें से ह्यूमिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगा। देखो जो समंदर के किनारे वाला एरिया होगा वहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। तो देखो अहमदाबाद तो काफी दूर है, लुधियाना भी काफी दूर है, यहाँ पे कोची और ये तेजपुर ये काफी नजदीक एरिया है, इस वजह से यहाँ पे दो और चार ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका क्या है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे जो तेजपुर है यहाँ पे बहुत बारिश होती है। आगे डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाई, तो मानसून जो है वो खत्म हो रहा है ये कौन बताता है क्या, तो क्लियर स्काई निश्चित रूप से, अगर आसमान साफ है तो मानसून वहां पे डिक्लाइन हो रहा है। प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है भाई प्रेशर कंडीशन अगर बे ऑफ बंगाल में चेंज होगा तो भी मानसून डिक्लाइन करेगा। अगर प्रेशर कंडीशन और आपका बे ऑफ बंगाल का और साथ में आपके जो सरफेस है वहां पे बराबर हो जाए लगभग, तो वहां पे भी मानसून का डिक्लाइन होगा। साथ में राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, टेम्परेचर अगर लैंड पे अगर बढ़ रहा है तो राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड डिक्लाइनिंग मानसून, तो राइजिंग टेम्परेचर अगर लैंड पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर स्काई है, प्रेशर कंडीशन बे ऑफ बंगाल और लैंड पे अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर लैंड पे ज्यादा होगा तो उस समय पे मानसून भी ज्यादा आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, वन एंड टू बोथ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, तो नॉर्थ और साउथ यहाँ है तो नॉर्थ 30 डिग्री इसको मानते हैं और यहाँ पे साउथ का 60 डिग्री, तो यहाँ पे लैटिट्यूड थ्रू द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज, नहीं बेटा वेस्टर्लीज केवल कहाँ पे चलती है, यहाँ 30 से लेकर लगभग 55 से 60 के बीच में यहाँ पे चलती है वेस्टर्लीज, यहाँ पे नहीं चलती, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ वेस्टर्लीज बहुत जब शिफ्टिंग होती है तभी आती है, ऐसे नहीं आती है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे,
द मॉइस्ट एयर मासेज दैट कॉजेज विंटर रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्नलीज। हाँ देखो ये नॉर्थ ईस्ट में वेस्टर्ली डिस्टर्ब सॉरी आपका नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होता है और जो वेस्टर्ली हवाएं होती है वो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से कुछ आर्द्रता लेकर आती है और पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी इन क्षेत्रों में कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश होती है, इसकी वजह से वो भी ठंडियों के मौसम में बारिश होगी। तो क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई? हाँ केवल दो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल, बंगाल के साथ मिलाकर इसमें से किस प्रकार का? तो यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में विंटर्स क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, केवल तमिलनाडु को छोड़कर जो ठंडियां होती है कैसी होती है? वो शुष्क होती है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा सी डब्ल्यू जी वाला, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विथ रिफरेंस टू इंडियन ओशियन डायपोल, अब ये इंडियन ओशियन डायपोल की बात कर रहा है और इंडियन ओशियन डायपोल कहाँ कहाँ बनता है? तो ये देखो, ये है इंडिया और इधर आपका मस्क्रीन हाई और इस डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में बनता है और इसके बीच में ये कौन सा सी है? ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन पाया जाता है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सम टाइम मेंशन इन द न्यूज वाइल फोरकास्टिंग, ठीक है यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट। इंडियन ओशियन डायपोल फिनोमिना इज कैरेक्टराइज बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल चलो बात सही है आपकी। बिटवीन इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडिया, हाँ ठीक है, ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। भाई देखो ये पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड नहीं है, ये इंडियन ओशियन से ही रिलेटेड है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एंड आई ओ डी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून, बिल्कुल अल नीनो कंडीशन बनता है इसकी वजह से, जब ऑस्ट्रेलिया के पास अगर हाई प्रेशर बन जाए। तो देखो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ देखो यहाँ पर भी हाई प्रेशर अगर बन जाए और यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन जाए, तो ऐसे में दोनों के बीच में जो हवाएं चलती है ना वो कम हो जाएंगी और इसकी वजह से मानसून जो इंडिया की तरफ तेजी से पुश किया जाता है वो मानसून पुश नहीं होगा ज्यादा, इसलिए मानसून इंडिया में कम आएगा, यही कंडीशन अल नीनो कहा जाता है। तो याद रखिए अल नीनो में यहाँ मस्करीन हाई के पास हाई प्रेशर हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले क्षेत्र में भी हाई प्रेशर हो जाता है और इसी वजह से जो मानसून विंड है वो भारत में कमजोर पड़ जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो बेटा आपको समझ में आया? चलिए आगे सवाल पे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन एज। तो देखो यहाँ पे ये आपको यही है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यहाँ पे रेनी होता है और साथ में यहाँ पे जो विंटर होती है वो ड्राई होती है, तो विंटर ड्राई होगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग सीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। देखो हिंदू कैलेंडर स्टार्ट कहाँ से होता है? स्प्रिंग, इसके बाद समर, इसके बाद रेनी और इसके बाद ऑटम, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होगा, है ना। तो देखो शुरुआत कहाँ से होता है? फागुन, इस तरीके से शुरुआत होगा, फिर धीरे धीरे जाएगा तो आपका मानसून सीजन आ जाएगा, फिर मानसून के समर आएगा जिसमें गर्मियां पड़ती हैं, इसके बाद ठीक है फिर रेनी यानी मानसून आ जाएगा, फिर ऑटम आएगा। तो देखो 3 2 4 1, 3 2 4 1, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदू जो कैलेंडर का मंथ होता है आपको उसको भी ऐसे याद रखना पड़ता है कि कैसे कैसे आता है, ठीक है ना। चलो आगे हम इसमें शुरू करें, नेक्स्ट सवाल हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, तो स्प्रिंग मार्च अप्रैल में होता है, समर मई जून में होता है, रेनी जुलाई अगस्त, ऑटम सितंबर अक्टूबर में होता है, ये हिंदू महीने का। अब रेनफॉल देखते हैं, बारिश, इससे संबंधित कई सारे सवाल है। तो ये देखो बारिश का कुछ अरेंजमेंट है, इंडिया जो बहुत डार्क दिखाई पड़ रहा है वहां पे हैवी रेन होता है और जहां बहुत लाइट दिखाई पड़ रहा है वहां पे बहुत ही कम रेन होता है। देखो ये लाइन आपको 20 डिग्री की दिखा 20 सेंटीमीटर की दिखाई रही है, इसको आइसोहाइट कहते हैं, ये ही डेजर्ट एरिया है। इसके बाद ये 40 सेंटीमीटर, इधर 60 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को। और अगर इस लाइन को हम देखें, इस लाइन यहाँ पे, तो ये इस लाइन पे 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, तो यहाँ इसके इसके बीच में 60 और 100
यहाँ से 40 और 60, यहाँ पे 20 और 40 और यहाँ 20 से कम, इस तरीके से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो डार्क एरिया यहाँ पे तो 400 300 से 400 सेंटीमीटर, इधर वाले एरिया में भी 300 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से इस एरिया में ज्यादा बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ देखते हैं इसमें, इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम, तो यहाँ पे जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ऑलरेडी बता चुका हूं, यहीं से मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया के अंदर होता है। तो ज्यादातर बारिश किससे होता है? दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से होता है, ठीक है ना। द स्टेट विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब हो गया कि ये रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहा है, वापस लौटते हुए मानसून की बात कर रहा है। तो वापस लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के किनारों पर होती है। तो कहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी ऑप्शन। देखो फिर से मैं एक बार आपको एक बार और बनाकर समझा देता हूँ। तो ये है आपका इंडिया, जब ये मानसून वापस आ रहा होता है, मानसून ऐसे वापस आया तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरेगा, तो यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वहां पे सागर है, बे ऑफ बंगाल है, और फिर यही तमिलनाडु में आएगा और तमिलनाडु में ये बारिश कराएगा। तो तमिलनाडु में बारिश नवंबर और दिसंबर के महीने में इसी की वजह से होता है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होगा? केरला के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से होता है, समाप्ति के समय भी यहाँ पर मानसून रहता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे शुरू से ही रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा समय तक यहाँ पे रहता है। तो यहाँ देखो केरला में सबसे ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल दिखाई पड़ रहा है, लगभग 311.9 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, ये mm लिखा है, इसको सेंटीमीटर में आप बदल सकते हैं। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेसेज हैव मोस्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन द टोटल एनुअल रेनफॉल, टोटल एनुअल रेनफॉल में सबसे ज्यादा डिफरेंसेज है, इवन दो लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली अलॉन्ग द सेम लैटिट्यूड, एक ही जैसे लैटिट्यूड पर है लेकिन रेनफॉल में इनका बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ ध्यान से देखें तो बेंगलुरु चेन्नई नहीं भाई, मुंबई और विशाखापट्टनम नहीं, नागपुर कोलकाता नहीं, अजमेर और शिलोंग, अजमेर राजस्थान में और शिलोंग कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो इन मेघालय में खूब बारिश होती है, अजमेर में कम बारिश होती है, तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर देखते हैं, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर ही 26 डिग्री सेल्सियस है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर, रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, कम है थोड़ा, और साथ में द एनुअल रेंज टेम्परेचर इज 9, यानी जो टेम्परेचर रेंज है वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 9 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी ठंडी में कम होगा और गर्मी में ज्यादा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस ठंडी और गर्मी का 9 डिग्री सेल्सियस ही है। तो निश्चित रूप से कोई कोस्टल एरिया होगा, है ना। तो यहाँ पे चेरापूंजी नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, कोलकाता भी यहाँ पे नहीं है, चेन्नई ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एनुअल जो टेम्परेचर रेंज होता है काफी कम होता है, क्योंकि एक तो ये आपके इक्वेटर के नजदीक भी होता जाता है और साथ में समंदर के किनारे भी बसा हुआ है, तो ये दो कारणों की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा, कब का? ठंडी और गर्मी का। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, तो इसमें बताना है कि कम होता जाता है, यानी ज्यादा रेनफॉल और ज्यादा रेनफॉल से धीरे धीरे क्या होगा, वो कम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ इसमें से क्या है? तो ध्यान से देखें, अगर हम तो दिल्ली में तो कम बारिश होती है, तो दिल्ली लास्ट में रहेगा, कोची में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो कोची पहले रहेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, कोची, कोलकाता, पटना और फिर दिल्ली। ये है भारत में जो ये जो शहर दिए गए हैं इनके अंदर घटता हुआ क्रम है, किसका? रेनफॉल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। आओ आगे देखते हैं, मैंगो सावर इज, सावर ऑफ मैंगोज, ड्रॉपिंग ऑफ मैंगोज, रेनफॉल इन मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल। भाई ये रेनफॉल तो जब आपका कर्नाटक और केरला वाले क्षेत्र में होता है, खास करके कर्नाटक में, तो उसको मैंगो कहते हैं। क्रॉप्स ऑफ मैंगो, हाँ ये कुछ हद तक सही है, क्रॉप्स ऑफ मैंगो भी काफी हद तक सही नहीं है, लेकिन इन सब ऑप्शनों में तो ज्यादा यही है। कारण क्या है? क्योंकि इसी समय जो आम होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही यहाँ पे मानसून की बारिश शुरू होगी आम पकना शुरू हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मैंगो सावर कहाँ कहा जाता है? कर्नाटका में कहा जाता है, ठीक है, चलो कर्नाटक और केरला, केरला में ज्यादातर ब्लॉसम सावर कहा जाता है।
अब सवाल है, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल, कौन सा सबसे कम रेनफॉल। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम देख चुके थे, तो लेह के अंदर सबसे कम बारिश होगी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज द लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल, इनमें से सबसे कम, तो ये भी फिर से वही है, लेह जो है ये सबसे कम रेनफॉल भारत में रिसीव करता है, तो डी ऑप्शन इसको करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून जो गर्मियों के समय में स्टार्ट होती है जून से, ये इसी को तो साउथ वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, इसमें सबसे कम बारिश किस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर है कोलकाता, मैंगलोर, दिल्ली। तो देखो चेन्नई में यहाँ सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि ये इसकी वजह से, वेस्टर्न घाट की वजह से चेन्नई के एरिया में बारिश नहीं हो पाती है। और चेन्नई कब रेनफॉल रिसीव करेगा, तो नवंबर दिसंबर में जब लौटता हुआ मानसून आएगा उस समय ये रेनफॉल रिसीव करता है। तो ये 10 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ है भाई, चेरापूंजी मेघालय में है, है ना, शिलांग, चेरापूंजी, मौसीराम जो है, ठीक है ना, मौसीराम, तो मौसीराम जो है ये मौसीराम बोलते हैं इसको, मौसीराम, ये मौसीराम भी कहां पर है, यही मेघालय में उपस्थित है। तो चेरापूंजी में क्या हुआ, एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, है ना, और मौसीराम में साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये चीज याद रखना है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन, तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है यहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट, हाँ वेस्टर्न घाट में होती है, हिमालयन रेंज रीजन एंड मेघालय। तो हिमालयन रीजन कौन सा हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हिमालय पड़ता है वहां पे खूब बारिश होती है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में उतना नहीं होती है, विदर्भ में तो बहुत ही कम बारिश होती है, तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश होती है, कम कहाँ पे होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है, सब कुछ जब मानसून आप पढ़ेंगे कि मानसून कहाँ से कहाँ होकर जाता है, तो वहां पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस क्षेत्र में कम बारिश, किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने वाली है। इंडिया हैज एन अबंडेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल बट इट स्टिल रिगार्डेड एज थर्स्टी लैंड, भारत में खूब बारिश होती है, ऐसी बात नहीं कि बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी थर्स्टी लैंड कहते हैं। कारण इसका क्या है, क्योंकि चार ही महीने में बारिश होती है, खूब बारिश होती है, बाढ़ भी आ जाएगा ढेर सारा, लेकिन बाकी के जो आठ महीने वो ड्राई सीजन होते हैं, कुछ ही एरिया में थोड़ा बहुत बारिश दिखता है, इसी वजह से। तो क्या है इसका, रेपिड रन ऑफ वाटर, क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ए फ्यू मंथ्स ओनली, तो ये सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि जो बारिश होगा नदियों में बाढ़ आएगी, पानी बह के समंदर में चला जाएगा, और इवेपोरेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है इस वजह से, तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट, तीनों ऑप्शन, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव, कौन सा इसमें वाटर मैनेजमेंट का तरीका आपके कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कम पैसे में हो जाएगा। तो फ्लस्टी सिस्टम को इम्प्रूव करो, ट्रीटमेंट ऑफ यूज ऑफ वाटर, भाई ट्रीटमेंट में करने में तो बहुत खर्चा होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ ये एक तरीका है कि अगर आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें, है ना, उसको ही इकट्ठा कर लें, तो भाई उसमें तो ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, एक बार आपने खड्डा खोद दिया तो वो खड्डा काफी लंबे समय तक खुदा रहेगा, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आओ आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैव एन एवरेज ऑफ 200 mm रेनफॉल, भाई 200 mm का मतलब है ऐसा एरिया जहां पे खूब बारिश हो रही होगी, तो कहां पे ज्यादा होती है ये बारिश, हाँ इधर देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो आपका है यहाँ पे बारिश खूब होती है। आपने कहा ये केरला में भी तो होती है सर, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं होती, 200 तक कम होती है, कर्नाटका का कुछ एरिया ड्राई रहता है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में 200 cm से ये आपका ज्यादा बारिश कब हो जाएगी, आपके गर्मियों के समय में होगी, और इसी अरे यार देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये mm लिखा हुआ है, सॉरी ये क्या लिखा है, mm लिखा हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, देखो यही गड़बड़ हो जाता है, आपको मात्राओं को भी ध्यान में रखना होगा, पढ़ते पढ़ते मुझे मात्रा दिखाई पड़ गया, तो यानी कि ये केवल 20 cm है भाई, बहुत कम है, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सबसे कम बारिश इन क्षेत्रों में कहां पर होती है, जम्मू एंड कश्मीर में होती है, तो ये एवरेज इसका होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 200 cm होता तो क्या करते, तब डी ऑप्शन हो जाता, लेकिन केवल 20 cm है, क्योंकि एमएम में दिया हुआ है, राइट, तो इस वजह से होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कई बार सवालों में जैसे मुझसे अभी थोड़ी सी गलती होने वाली थी,
जब आप सवाल जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हमेशा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें एक जगह पर कई जगह पर नॉट लिखा रहता है NOT, और हम इसको पढ़ना भूल जाते हैं, तो इस वजह से ही भी गलतियां बहुत होती हैं। एनीवे आओ सवाल अगला पढ़ते हैं। बाय विच मानसून डज झारखंड रिसीव रेनफॉल, तो झारखंड किससे रेनफॉल रिसीव करता है, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो नॉर्मल मानसून हमारे यहाँ आता है, उसका जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है, उसी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से झारखंड सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे होगी। आगे देखो, ये मैप को कंसीडर करना है और रेनफॉल का ये यहाँ पे रेंज दिया है, तो ये लगभग ये आपका 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट दिखाई पड़ रहा है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये 150 सेंटीमीटर हाइट दिखाई पड़ रहा है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे देखा जाए, द मीन एनुअल रेनफॉल इन द सेडेड पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो भाई 100 से 150 सेंटीमीटर अभी बता दिया मैंने आपको, ए ऑप्शन है। तो आप एक बार जब मैप स्टडी करेंगे तो वहां पे देखना कि आइसो हाइट्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे लाइन जो है वो सही तरीके से बना हुआ है। आओ आगे, व्हेन देयर इज वेरी हाई रेनफॉल इन द पुष्कर हिल वेयर डज फ्लड कम, तो पुष्कर कहाँ पर है भैया, पुष्कर हिल राजस्थान, और यहाँ पे अगर बारिश खूब होगी तो ये जो बलोतरा है यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं। आओ आगे, अ रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन अ डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव, तो एक दिन में कितना बारिश हो जाए कि इसको रेनी डे माना जाएगा, वर्षा का दिन माना जाएगा, तो ये आपका 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा अगर बारिश एक दिन के अंदर हो जाती है तो उसको रेनी डे माना जाएगा, ठीक है, इससे कम होगा तो फिर नॉर्मल डे। आगे देखो, देखिए भाई यहाँ पे एसर्शन और रीजन देख दिया गया है, यानी कथन और कारण। कथन क्या है, द मानसून रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम इधर इंडिया के अंदर इधर ईस्ट टू वेस्ट बढ़ते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होता जाता है, क्यों, इसका कारण भी है। कारण यह है कि यहाँ से जब इधर जाती है मानसून तो इसका मॉइस्चर भी कम होता है। अगला रीजन देख लेते हैं, द मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड गो हायर एज वन मूव्स अप इन गंगा प्लेन, ये भी सही है, हाइयर चली जाती है, क्यों, देखो भाई जब हवा के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो नीचे रहेगी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर भार ज्यादा है, और मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वो हल्की होगी तो ऊपर हो जाएगी, तो रीजन भी सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कथन कारण दोनों सही है और सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये लो, ये भी एक आइसो हाइट दिया हुआ है ना, अब क्या सवाल है जरा देखते हैं, ये ध्यान से रखो, इस लाइन की बात हो रही है, ये लाइन की बात हो रही है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, द मैप क्या शो करता है, एन आइसो हाइट एन ऑल इंडिया वाटर डिवाइड ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल हाईवे और कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर हाईवे, देखो यहाँ ध्यान से देखें तो एक चीज हमें साफ दिखाई पड़ रही है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इधर नदियां यहां से इधर बह जाती हैं, नदियां यहां से इधर बह जाती हैं, यहां से नर्मदा और तापी भी यहां बहती, बाकी ये नदियां इधर, ये इधर से सारी नदियां इस डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके सारी की सारी, तो ये एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम कर रहा है ये जो एरिया है, तो यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, आइसो हाइट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आइसो हाइट्स लाइन यहां से ऐसे ऐसे कुछ स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे स्टार्ट होती है, तो इस वजह से आइसो हाइट की लाइन ये बिल्कुल सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी ऑप्शन ऑल इंडिया वाटर डिवाइड को ये कंसिडर किया गया है यहाँ पे। आगे सवाल, क्लाइमेट कंडीशन और उसका रीजन यहाँ पर मैच करना है, तो आओ देखते हैं क्लाइमेट कंडीशन क्या क्या है। चेन्नई इज वार्मर देन कोलकाता, क्यों, क्योंकि कहाँ पर पाया जाता है, ये लो लैटिट्यूड पर पाया जाता है, इसीलिए कोलकाता भी देखो समंदर के लगभग करीब ही है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये लैटिट्यूड का अंतर है, किसका अंतर है, लैटिट्यूड का अंतर है, कोलकाता जो हाई लैटिट्यूड पर है और चेन्नई लो लैटिट्यूड पर है। स्नोफॉल इन हिमालय, तो स्नोफॉल हिमालय क्यों होता है, ये एल्टीट्यूड की वजह से होता है, ऊंचाई की वजह से होता है। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, क्यों होता है भाई, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी हो जाएगा, है ना, सुतलेज गंगा प्लेन गेट्स सम रेनफॉल इन विंटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो मिला लो, अब ए का पांच देख लो पहले, तो सबसे पहले ए का पांच कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सी और डी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, और डी का तीन देख लो, डी का तीन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं,
द हॉलमार्क ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज, क्या हॉलमार्क है यहाँ पे किस चीज का? वाटर शेड डेवलपमेंट होता है सेमी एरिड रीजन इंडिया के अंदर, तो देखो क्या है यहाँ पे, establishment of shed on large scale so that the rain water does not evaporate, undertaking the earthwork, soil conservation, moisture and recharge under groundwater, drilling deep tube wells so as to tap water as the rock strata level, iske baad setting up a system of tank by embanking water from seasonal rivers. ye sahi hai, agar aap wahan pe tanks bana de, theek hai na, तो उसकी वजह से पानी ज्यादा समय तक यहां पे स्टोर रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. आओ, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर इंक्लूडेड अंडर द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 21 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, 21 जिले हैं, उनको रखा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो रट्टाफिकेशन है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. आओ आगे देखते हैं. हाँ, इतना आप याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, कौन कौन से राज्य में, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 1977-78 में ये किया गया था, ठीक है ना. और इसके बाद कुछ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी जिलों को कवर किया गया 1995 और 1996 के अंदर. आगे देखो. हाँ, ये की और याद रखना कि 5 राज्य है इसमें, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से ये कवर करता है शुरू में, और बाद में ये 7 राज्यों को कवर करने लगता है. आगे देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. गठन कारण, इनलैंड वाटरवे आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया. सही है भाई, हमारे यहाँ जो वाटरवेज है वो सही डेवलप नहीं है. मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 मंथ इन ईयर. ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि 4 महीने, और अगर 4 महीने बारिश होगी तो नदियों में पानी भी ज्यादातर 4 महीने ही रहता है, कुछ 1-2 महीने ऊपर कर लो, 5 महीने, तो इसी वजह से इनलैंड रिवर सिस्टम इंडिया में अच्छा डेवलप नहीं है. तो इसका कथन कारण दोनों सही है, और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ए ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा. आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए आप लोग. विंटर में भी रेनफॉल होता है इंडिया में, है ना, और ये अगर ध्यान से मैं आपको देखूं तो यहाँ पे इस एरिया में विंटर में रेनफॉल ज्यादा दिखाई पड़ेगा, और कुछ जो रेनफॉल यहाँ पे तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर भी दिखता है, तो इस तरीके से रेनफॉल है. अब आओ यहाँ पे सवाल देखते हैं. इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू. ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ हिंदी में बोलते हैं, इस पछुआ विक्षोभ की वजह से ही उत्तर भारत में बारिश होती है, ये चीज आपको याद रखना है. आगे तो चलो कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका. बे ऑफ बंगाल के मानसून से कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश होगी. मानसून या अरेबियन सी वाला मानसून से महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश के एरिया में, आपके थोड़ा बहुत गुजरात के एरिया में ये बारिश होगी. रिट्रीटिंग मानसून से तमिलनाडु के अंदर बारिश होगी, टीएन के अंदर बारिश होगी. अगला सवाल है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल. तो कहां पर? तमिलनाडु में होता है, है ना, पंजाब और तमिलनाडु. पंजाब में वेस्टर्ली या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है, और तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है, तो इस कारण से ये दोनों जगह पे बारिश होगी. कब? ठंडियों में. तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे. आगे, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज मोस्टली ड्यू टू. तो तमिलनाडु में क्यों होता है? तो रिट्रीटिंग मानसून, और रिट्रीटिंग मानसून अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से वापस आ रही है, और मैंने बताया था कि हवाएं जिस डायरेक्शन से ओरिजिन होती हैं, जहां से निकलती हैं, उसी के आधार पर नाम रखा जाता है. तो ये यहां से निकल रही है, तो कौन सा ये नॉर्थ हो गया, और ये कौन सा हो गया ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. बहुत ही आसान से सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल ये लगते चले जाते हैं. यहाँ पे कथन कारण दिया है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया रिसीव सम रेनफॉल इन विंटर. हाँ, ये सही है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है. नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव इन विंटर नॉर्थ. हाँ बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून ही तो वापस जा रहा होता है ना, रिट्रीटिंग मानसून जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है. देखो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश हो रही थी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही थी, और यहाँ ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है, न कि नॉर्थ इंडिया में होती है. यहाँ पे कथन दोनों सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is not the correct explanation of
ए, ऐसे सही हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट विच रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, कौन कहाँ पे विंटर सीजन में ठंडियों में बारिश होती है? तो ठंडियों में बारिश कई बार बता चुका हूं कहां पे, तमिलनाडु में होगी। कब? नवंबर और दिसंबर के महीने में होगी। उसका कारण भी बताया था मैंने आपको कि जब यहां से मानसून हमारे जून के समय में स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेस्टर्न घाट, और ये पहाड़ियां हैं तो मानसून को रोक लेती हैं, और रोक लेंगी तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होगा। लेकिन जब यही मानसून वापस आ रहा होगा तब यहाँ कोई पहाड़ियां इसको रोक नहीं पाती और ये बे ऑफ बंगाल से बारिश यहाँ पे रिसीव करता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में ठंडियों में बारिश होती है, तो बी ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। फिर से वही सवाल है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से या रिट्रीटिंग मानसून से कौन रेनफॉल रिसीव करता है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो किनारा है उसका नाम क्या होता है? कोरोमंडल कोस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालाबार किसका होता है भैया? ये केरला का होता है ना। गुजरात, तो गुजरात के किनारे। कोंकण कोस्ट कौन सा होता है भाई? कोंकण कोस्ट आपके महाराष्ट्र से लेकर कुछ कर्नाटका का ऊपरी हिस्सा, इसको लेकर क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट कहा जाता है। तो यही कोंकण कोस्ट हो गया। आओ आगे बढ़ जाते हैं बाबूजी। देखिए, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म। एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है? जब लो प्रेशर बनता है तो उसको साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं, और जब हाई प्रेशर बनता है तो उसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो यहां लिखा है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म इन विंटर सीजन, यानी कि हाई प्रेशर बन जाता है विंटर सीजन में कहां पे? नॉर्थ इंडियन प्लेन पर। सही बात है। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, राइट, एयर टेम्परेचर इज लो। देखो भाई, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि ठंडियों में एयर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और इसलिए एयर भारी होगी, और एयर भारी होने की वजह से ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। सही स्टेटमेंट है। आगे देखो रीजन, विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कॉज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ लो टेम्परेचर। क्या बारिश की वजह से ये लो टेम्परेचर होता है? नहीं भाई, ये सन के मूवमेंट की वजह से होता है। सन किधर चला जाता है? नीचे की तरफ, साउथ में चला जाएगा, और इस वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रेनफॉल से कोई रिलेशन नहीं है, हालांकि रेनफॉल में कभी कभी थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा भी होता है। तो ये आपका कथन आपका ये तो सही है ना, लेकिन ये कारण क्या है? ये गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट होता है। इस तरीके से सवाल लगाए जाने चाहिए आपके कई सारे। ये देखो आजकल सवालों में कथन और कारण से हर एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा थ्योरी तो पता होनी चाहिए। आओ आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल, तो भाई कौन सा करता है? तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का एरिया करता है, हाँ, पंजाब हरियाणा का और वेस्टर्न यूपी का एरिया बारिश रिसीव करता है विंटर में। और क्या है? साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट भी तो करता है। साउथ ईस्ट में कौन है? तमिलनाडु है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों सही है। तो ये सवाल थोड़ा सा आपका कंट्रोवर्शियल था। आगे बढ़ते हैं। द विंटर रेन कॉज बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम, तो भाई वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज करेगा। जैसे भारत में प्रवेश करेगा तो ज्यादा बारिश होती रहेगी, जैसे वो हरियाणा यूपी की तरफ बढ़ेगा बारिश क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो कितना सिंपल सिंपल से सवाल पूछे गए। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे आगे से पढ़ेंगे तो वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में और इससे संबंधित सवाल लगाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल कराएंगे आपको, पूरा घटना चक्र के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो ये बातें आपके दिमाग में गूंजती रहे कि ऐसे 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 हुआ था, और आप सारे सवाल सही करके आ जाओ। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप लोग जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।